हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। और फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे किसके बारे में, तो स्पेशली आज जानने हम लोग को कि रंध्रों के द्वारा पौधों के अंदर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कैसे होती है और किस प्रकार से इनके रंध्र खुलते हैं, किस प्रकार से रंध्र बंद होते हैं, रंध्र खुलते हैं तो क्यों खुलते हैं, बंद होते हैं तो क्यों बंद होते हैं। इसके अलावा इसमें हम लोग जानेंगे कि पोटेशियम आयन के द्वारा किस प्रकार से आपके इनके अंदर श्वसन की क्रिया होती है। इसके अलावा इनके अंदर जो आपका कार्बनिक चक्र चलता है, अर्थात वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है अगर, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं, इनका क्या महत्व होता है, इन सभी के बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करेंगे और आज के सेशन के स्टार्टअप हम लोग करेंगे कि रंध्रों के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन, रंध्रों में वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया विधि, रंध्रों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया विधि। अब ये तो पता है कि रंध्र जो पाए जाते हैं वो अलग अलग पौधों में अलग अलग रूप में पाए जाते हैं, अर्थात कि पौधे भी दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं आपका एकबीजपत्री और एक क्या होते हैं आपके द्विबीजपत्री। ये सबको पता है, यानी कि मोनोकोटिलेडोन और डाइकोटिलेडोन आपको बताए थे हम, ठीक है, मैं बताया था आपको। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर जो एक बीज पत्री पौधे होंगे, इनमें जो पत्तियां पाई जाएंगी, इन पत्तियों के अंदर जो रंध्र होते हैं वो दोनों साइड होते हैं, ऊपर भी होते हैं नीचे भी होते हैं, दोनों तरफ पाए जाते हैं। मतलब क्या, इनके जो रंध्र हमें प्राप्त होंगे, रंध्र रंध्र दोनों ओर मिलेंगे हमें, रंध्र कहाँ मिलेंगे हमें, दोनों ओर प्राप्त होंगे। लेकिन अगर वही द्विबीजपत्री में जाइएगा तो पत्ते के अंदर रंध्र तो पाए जाएंगे, लेकिन ये रंध्र क्या होंगे, सिर्फ एक ही तरफ होंगे, रंध्र सिर्फ एक तरफ होंगे, सिर्फ एक तरफ पाया जाएगा। क्लियर है? यानी कि एक होंगे रंध्र दोनों तरफ, तो रंध्र दोनों ओर किसमें होगा, एकबीजपत्री में, और रंध्र सिर्फ एक तरफ किसमें पाया जाएगा, तो द्विबीजपत्री पौधों के अंदर। क्लियर है आप लोगों को? तो जब ये पता चल गया कि एकबीजपत्री में द्विबीजपत्री में अलग पाए जाते हैं, तो फिर आपके पौधे तीन तरह के और होते हैं। एक तो जलीय पौधे होते हैं जो जल में पाए जाते हैं, इसके अलावा आपके बच गए एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आवृत बीजी और अनावृत बीजी, और जिम्नोस्पर्म, दो प्रकार के होते हैं ये। अब एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, इनके अंदर तो कोई डाउट नहीं कि इनके अंदर रंध्र पाए जाते हैं, लेकिन जो आपके जलीय पौधे होते हैं इसमें रंध्र नहीं होते हैं, इसमें रंध्र नहीं पाए जाते हैं। क्योंकि अगर रंध्र पाए जाएंगे तो पानी उसी से बहते बहते ऐसे ही खत्म हो जाएगा पौधा, तो इसलिए जलीय पौधों में जो रंध्र होंगे वह नहीं पाए जाते हैं। लेकिन एंजियोस्पर्म जितने भी आवृत बीजी और अनावृत बीजी होंगे सभी के अंदर हमें रंध्र देखने को मिलेंगे। उसके बाद बात कीजिएगा एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री का, तो एक बीजपत्री पौधे के अंदर क्या होंगे कि रंध्र दोनों ओर हमें मिलेंगे, और द्विबीजपत्री में क्या होंगे कि रंध्र हमें सिर्फ एक ओर मिलेंगे। तो केस दोनों तरफ है, आप देख सकते हैं कि रंध्र की बात तो हमें समझ में आ गई कि रंध्र कहाँ पाया जाएगा और किस में पाया जाएगा। बात यह आती है कि रंध्र के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती कैसे है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें रंध्र के द्वारा अगर वाष्पोत्सर्जन की बात कीजिएगा तो इसके अंदर दो चरण होते हैं। इसमें दो चरण क्या क्या कि इसके अंदर रंध्र में वाष्पोत्सर्जन क्रिया होगी, दो दो स्टेप्स के अंदर होगी। एक में क्या होगा कि रंध्र का जो द्वार है खुलेगा, रंध्र का द्वार खुलेगा अर्थात कि खुलना, और एक में क्या रहता है कि रंध्र का जो द्वार है वो बंद रहता है, रंध्र का द्वार बंद रहता है। यानी कि दो कंडीशन है, एक में रंध्र का द्वार खुलेगा और दूसरे में रंध्र का जो द्वार होगा वो बंद रहेगा। तो बात यह आती है कि कब रंध्र के द्वार खुलेगा और कब रंध्र के द्वार बंद होगा। तो इस दोनों केस को हम लोग जरा समझ लेते हैं कि रंध्र के द्वार खुलेगा तो कब और क्यों खुलेगा, और रंध्र के द्वार अगर बंद रहता है तो कब बंद रहेगा और क्यों बंद रहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं जरा इसे, जरा बात समझने की आप कोशिश कीजिए कि मान लीजिए कि यह एक पत्तिया है, ठीक है, और एक पत्ती के अंदर
जब बाहर से सूर्य की प्रकाश पड़ेगी, एक पत्ता बना लेते अच्छा सा। देखिए क्योंकि बायोलॉजी जो होता है आपका ज्यादातर क्या है, 50% पार्ट कह लीजिए कि आपका फोटोग्राफ्स ही होते हैं। अगर डायमेंशन आपका बन जाएगा अच्छे से, अगर अच्छे से फोटो बनाना आता है, तो समझिए एग्जाम में 50% मार्क्स वैसे ही आ जाने आपके, ठीक है? क्यों, एग्जाम में आप जब बना के लिखते हैं आप इसके फोटो वगैरह बना के, तो थोड़ा सा एग्जामिनर भी थोड़ा सा अच्छे से देखना कोशिश करता है कि जरूर कुछ खास बनाया होगा। जरा देखिए ये होल हो गए आपके, ये रंध्र हो गए, ठीक है? बाहर से सूर्य की प्रकाश पड़ रही है, ये मान लीजिए सूर्य हो गए, और सूर्य से सूर्य की किरण निकल रही है, ये सूर्य की किरण निकल रही है, ये सूर्य हो गया, ठीक है? सूर्य से सूर्य की किरण हमें प्राप्त हो रही है, ठीक है? वायुमंडल से हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी प्राप्त हो रहा है, CO2 प्राप्त हो रहा है। अब कंफर्म है कि सूर्य का प्रकाश अंदर से खनिज लवण इसे मिल ही रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिली गया, सूर्य का प्रकाश मिली गया और खनिज लवण मिली गया, तो कंफर्म है कि भोजन बनेगा। तो अंदर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की सूर्य की उपस्थिति में इनके अंदर जो होते हैं पहले से जो स्टार्च उपस्थित रहता है जिसे मंड कहते हैं, उसमें एक विशेष प्रकार के आपके क्या पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं। उस एंजाइम्स को क्या कहते हैं, उस एंजाइम को कहते हैं फास्फोराइलेज। क्या कहते हैं? फास्फोराइलेज। ये फास्फोराइलेज एंजाइम्स होते हैं। अब इसकी उपस्थिति में क्या होता है कि जो यह कार्बन डाइऑक्साइड है, यह कार्बन डाइऑक्साइड शर्करा बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड किस में बदल जाता है? शर्करा में। शर्करा में जब बदलता है तो क्या होगा, इनके होल के पास से अंदर की तरफ आएगा। जब अंदर की तरफ शर्करा बनेगा तो धीरे धीरे यह शुरू में तो अर्ध ठोस की अवस्था में रहेगा, अर्ध ठोस की अवस्था में रहेगा, और जब अर्ध ठोस रहेगा तो इनके अंदर प्रसरण की क्रिया होगी, और जब यह प्रसरण की क्रिया होगी तो अंदर जाके या अंदर की कोशिका में और कोशिका के बीच में जो जगह होगा जिसे हम लोग कोशिका का अवकाश कहते हैं, कोशिका अवकाश, उसमें जाके बढ़ेगा। जब इसकी मात्रा ज्यादा होगी, जब ये शर्करा की मात्रा, जब अर्ध ठोस की मात्रा प्रसरण के द्वारा कोशिकाओं में जब ज्यादा भरने लगेगा, तो जब ज्यादा कोई चीज भरेगा तो समझिए उसके अंदर सांद्रता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो उसके अंदर क्या होता है कि कोशिका के अंदर सांद्रता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? सांद्रता बढ़ती है। जब कोशिका के अंदर सांद्रता बढ़ेगी तो यह अधिक सांद्र जब हो जाएगा तो यह कम सांद्रता की तरफ जाएगा कि नहीं? अब अधिक सांद्र होने की वजह से अब आगे छोटा सा यह होल दिख रहा है, रास्ता दिख रहा है, और यहां पे अधिक सांद्रता है और यहाँ पे खाली जगह दिख रहा है। तो बताइए यह अधिक सांद्रता से बढ़ते बढ़ते कम सांद्रता की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो उस कंडीशन में यह सांद्रता बढ़ने की वजह से इनके अंदर क्या होता है कि दाब भी बढ़ता है। जो द्रव्य का जो दाब है वह दाब बढ़ता है, और दाब बढ़ने के कारण क्या होता है कि बाहर का जो यह रंध्र है, यह रंध्र खुल जाता है क्योंकि बाहर निकलना चाहता है। तो उस कंडीशन में रंध्र क्या हो जाते हैं, ओपन होते हैं, और रंध्र जब ओपन होते हैं तो उनसे जब सूर्य के प्रकाश अंदर जाती है तो इसमें जो लिक्विड अर्थात जो द्रव की मात्रा होती है वह वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा वायुमंडल में जाती है। तो इनके वजह से यह रंध्र खुलता है। तो यह कंडीशन कब होगी, रंध्र कब खुलेगा? जब इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। रंध्र खुलेगा कब? जब इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होगी? जब इसके सूर्य की प्रकाश मिलेगा। और सूर्य की प्रकाश कब मिलेगा? तो दिन के समय में। कब मिलेगा? दिन के समय में। अर्थात क्या, दिन के समय में जब सूर्य की उपस्थिति होगी अर्थात जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, तब रंध्रों के वाष्पोत्सर्जन क्रिया में रंध्र का जो द्वार है, जो रास्ता है, वह खुलेगा। क्योंकि रंध्र जो होते हैं ऊपर से एक विशेष प्रकार के सेल से ढका रहता है जिसे हम लोग गार्ड सेल के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में रक्षक कोशिका के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है आप लोग को? तो ये रक्षक कोशिका कब हटेगा? जब क्या होगा, रंध्र के द्वार खुलेगा। और रंध्र के द्वार खुलेगा कब?
जब अंदर की सांद्रता बढ़ जाएगी, अंदर की सांद्रता ज्यादा हो जाएगी। तो यह पहला केस था जब रंध्र खुलेगा। दूसरा केस क्या होता है इसमें कि रंध्र का बंद हो जाना। तो रंध्र बंद कब होगा जरा ध्यान से समझिए, रंध्र कब बंद होगा। अब देखिए इसके अंदर एक और चीज होती है कि यह जब आपका क्या बनाएगा, जब इसकी सांद्रता बढ़ेगी, सांद्रता जब बढ़ेगी तो यह जो आपका फास्फोराइलेज एंजाइम्स है, यह जब सांद्रता यह बढ़ा लिया, जब यह शर्करा बन गया, तो यहां पे यह जो आपका बिलियन बनेगा, जो सांद्रता वाला अर्ध ठोस का बिलियन जो बनेगा, यह अर्ध ठोस जो होगा यहां पे क्षारीय होगा। कैसा होगा? क्षारीय होगा। एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है यह अर्ध ठोस कैसा होगा? क्षारीय होगा। अब जरा बात कीजिए, बात करते हैं रंध्र के द्वार बंद कब होंगे। तो देखिए ध्यान से, यह आपका पतिया है और पति के अंदर रात के समय का मामला आ गया। कब मामला आ गया? रात का मामला आ गया। रात के मामला में बाहर से सूर्य की प्रकाश मिलेगी क्या? सूर्य की प्रकाश से नहीं मिल रही है। बाहर से अगर आना चाहे तो कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री है, कोई इशू नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मान लीजिए एंट्री ले लिया अंदर, ठीक है। अंदर जब पौधों के अंदर ऊर्जा की हो सकता है, तो ऊर्जा की हो सकता है, तो इनके अंदर जो ग्लूकोज होगा, जो इनके अंदर शर्करा होगा, टूट के ग्लूकोज बनाएगा, और ग्लूकोज से एटीपी के रूप में ऊर्जा बनेगी, और एटीपी के रूप में ऊर्जा बनने से पहले इस ग्लूकोज का क्या होना है? श्वसन होना है। इसके लिए बाहर से ऑक्सीजन भी आएगा। क्या आएगा? बाहर से ऑक्सीजन आएगा। रात में सूर्य की प्रकाश नहीं आ रहा है, लेकिन ऑक्सीजन आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है, और यह टूटेगा। जब यह ग्लूकोज टूटेगा तो क्या क्या बनाएगा? H2O बनाएगा और CO2 बनाएगा। जब H2O और CO2 बन जाता है और यह बाहर निकलने का जगह नहीं होता है, तो उस कंडीशन में यह H2O और CO2 आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं, ठीक है। अब H2O और CO2 आपस में जब अभिक्रिया करेंगे तो बताइए क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे कार्बोनिक अम्ल। क्या बनाएंगे? कार्बोनिक अम्ल, ठीक है। ये क्या बनाएंगे? कार्बोनिक अम्ल। और कार्बोनिक अम्ल का सूत्र क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का दो है तो H2C, और ऑक्सीजन का है दो, और एक यहाँ पे CO3, यानी H2CO3, यानी ये बनाएगा आपका क्या? कार्बोनिक अम्ल। ध्यान से समझिएगा, ये दिन के समय हो रहा था तो इसमें क्षारीय था, और ये रात के समय हो रहा है तो यह अम्लीय हो रहा है, अर्थात कि कार्बोनिक अम्ल है। तो कंडीशन दो हो गए आपके पास। तो कार्बोनिक अम्ल बनने की वजह से यहां पर क्या होगा कि आंतरिक रूप में जो सांद्रता है वह सांद्रता घटती जाएगी। सांद्रता क्या होगी? सांद्रता कम होगी। और जब सांद्रता कम होगी तो उस कंडीशन में बताइए कि बाहर का गेट बंद होगा कि खुलेगा? बाहर वाला गेट तो और ज्यादा बंद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अंदर का जगह खाली हो रहा है। तो मान लीजिए खुल के बाहर थोड़े ना जाएगा, वो तो और सिकुड़ेगा। तो उस कंडीशन में बाहर का जो रंध्र वाला पार्ट है, जो वहां का गार्ड सेल है, गार्ड सेल कहेगा भाई अंदर से किसी को बाहर एंट्री, बाहर निकलना नहीं है। तो उस कंडीशन में गेट जैम हो जाता है, और उस कंडीशन को हम कहते हैं कि रंध्र का द्वार बंद हो गया। तो रंध्र का द्वार कब बंद होगा? जब सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति नहीं होगी, अर्थात सीधे शब्दों में कहे रात्रि के समय, रात्रि के समय जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी उस समय रंध्र के द्वार बंद, और जिस समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी उस समय रंध्र के द्वार खुला रहेगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये दो प्रोसीजर के द्वारा क्या होते हैं कि जो पौधे होते हैं अपने रंध्रों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। क्लियर है आप लोगों को? तो ये दो मेथड है, दो मेथड के माध्यम से रंध्रों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो जाती है। इसमें दो ही स्टेप्स है, एक रंध्र का द्वार का खुलना और दूसरा रंध्र द्वार का बंद होना। और रंध्र की बात कीजिएगा तो रंध्र वास्तव में गार्ड सेल से ढका होता है। यह आपका पदार्थों को आदान प्रदान करने में मदद करता है, और उसके अलावा क्या करता है कि यह पौधों के अंदर जल की संतुलन और वायु के संतुलन दोनों को बना के रखता है। इसके बारे में आपको पहले से पता है। चलिए फिर देख लेते हैं, ये क्लियर हो गया आपको। तो इसके बाद अब जानेंगे कि पोटेशियम आयन के द्वारा पौधों के अंदर यह क्रियाएं कैसे होती है। तो देखेंगे हम लोग सक्रिय पोटेशियम आयन के द्वारा परिवहन की प्रक्रिया कैसे होती है।
देखिए, जब क्या होता है कि बाहर से किसी भी रूप में कार्बन डाइऑक्साइड या आपका जो सूर्य की प्रकाश थी, जब अंदर प्रवेश करेगी तो अंदर एंजाइम्स भी तो वर्क करते हैं। तो क्या होता है कि अंदर जो पत्तियों के अंदर, पत्ती के अंदर जो होगा वो अंदर पाया जाता है स्टार्च। क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च क्या होता है कि स्टार्च जो होगा टूटकर मैलिक अम्ल में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? मैलिक अम्ल में बदल जाता है। पहला काम तो ये होता है पोटेशियम आयन के सक्रिय परिवहन में, कि स्टार्च पहले टूटेगा मैलिक अम्ल में बदलेगा, पहला काम। दूसरा क्या होगा, जो मैलिक अम्ल है यह मैलिक अम्ल भी टूटेगा, और मैलिक अम्ल जब टूटेगा तो क्या बनाएगा? यह बनाएगा मैलेट, मैलेट, और प्लस में क्या बनाएगा? हाइड्रोजन का आयन बनाएगा। मैलेट और हाइड्रोजन आयन बन गया। उसके बाद तीसरी घटना क्या होगी, तो यह जो हाइड्रोजन आयन है और यह जो आपका कौन है, यह जो आपका पोटेशियम आयन है, यह दोनों अपनी जगह की अदला बदली कर लेता है। पोटेशियम आयन पहले से उपस्थित रहता है वहां पर। चौथा काम क्या करता है कि इसके अंदर पोटेशियम आयन में जो भी वृद्धि या कार्य इसके अंदर होंगे, जो भी वृद्धि या कार्य होगा, यह वृद्धि या कार्य किस पे निर्भर करेगा? तो यह पोटेशियम आयन पे निर्भर करेगा, ठीक है। और यह वृद्धि और कार्य किसकी वजह से होगी? तो इनके शरीर के अंदर जो एटीपी ऊर्जा के रूप में रहेगा वह उसी के द्वारा यह सारी क्रिया होगी। और पोटेशियम आयन उसके बाद अपने अन्य क्रियाओं में फिर क्या करेगा? इसकी मदद करेगा। तो यह होता है सक्रिय पोटेशियम आयन के परिवहन की प्रक्रिया। अब बात यह आती है कि ये सारी क्रियाएं अगर होती है तो सभी क्रियाओं में वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया जो है, इस वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित कौन कौन करेगा? कौन कौन से कारक है जो वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करेगा? क्रिया को प्रभावित करेगा, इसकी बात आती है कि प्रभावित कौन कौन करेगा। तो पहला नंबर कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में सारा कार्य होता है, तो पहला प्रभाव कौन डालेगा? प्रकाश। कौन? सूर्य से प्राप्त होने वाला प्रकाश, अर्थात क्या? सूर्य का प्रकाश। पहली आपकी इफेक्ट, पहले फैक्टर क्या हो जाएगा इसका? सूर्य की प्रकाश। जितना तेज प्रकाश होगा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया उतनी ही तेज होगी, ठीक है। दूसरा का क्या होगा आपका, कि वायुमंडल की आर्द्रता, वायुमंडल में जितनी आर्द्रता होगी, आर्द्रता अगर कम है, आर्द्रता अगर कम है तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज्यादा होगी, अगर आर्द्रता अधिक है तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होगी, ठीक है। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है कि तापमान, अगर वायुमंडल का तापमान अगर अधिक है, तो तापमान अधिक हो गया तो कंफर्म है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। यह क्रिया भी क्या हो जाएगी हमारी? अधिक हो जाएगी, क्रिया अधिक होगी। यह तीसरा था। चौथा अगर बात कीजिएगा तो चौथा इसके अंदर क्या होता है कि वायु की, वायु का रोल तो पता है आपको, अगर शुष्क वायु है यानी कि गर्म हवाएं चल रही है तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तेज, अगर आपकी हवाएं ठंडी हवाएं चल रही है तो उस समय वाष्पोत्सर्जन की क्रिया स्लो हो जाएगी, तो वायु का भी रोल है। पांचवा होती है मृदा, अर्थात कि जो आपकी मिट्टी है, इस मिट्टी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जितना ज्यादा नीचे से मूल दाब बनेगा उतना ज्यादा तेजी से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी होगी, अर्थात क्या? इनके पांच मेन फैक्टर है, प्रकाश, वायुमंडल की आर्द्रता, तापमान, वायु और मृदा। ये पांच फैक्टर है जिनके द्वारा आपका वाष्पोत्सर्जन की क्रिया प्रभावित होता है। इसके अलावा कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया के कारण आपको फायदे होते हैं, अर्थात क्या? वाष्पोत्सर्जन क्रिया का महत्व क्या होता है, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन के फैक्टर जान लिया, अब बात करते हैं इनकी महत्व की, कि इनके महत्व क्या है। तो महत्व में क्या होगा? मेन मेन तो होता है कि इनकी जल की संतुलन करेगा। पहला काम क्या करेगा? जल का संतुलन करेगा पौधों का, जल का संतुलन इसी की वजह से होगा। तो पहला काम किसका होगा? जल का संतुलन का काम होगा कि पूरे आपका शरीर और वायुमंडल के अंदर दोनों की जल के संतुलन बनाए रखने में कौन जिम्मेवार है हमारा? तो वाष्पोत्सर्जन जिम्मेवार है, पहला आपका। दूसरा नंबर तापक्रम का संतुलन, तापक्रम का संतुलन यानी कि ताप वायुमंडल में कैसा होगा इसका डिसाइड में संतुलन कौन करेगा हमारा?
ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करेगा। अगर तापमान अगर कम है तो इसका मतलब वायुमंडल में क्या होगी, आर्द्रता ज्यादा होगी तो टेम्परेचर डाउन होगा। तीसरा क्या है कि खनिज लवण या अन्य पदार्थों का अवशोषण अवशोषण होगा, इसमें मदद करता है। खनिज पदार्थ जो जमीन से लेकर ऊपर जाती है पत्तियों तक, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल होता है। उसके बाद क्या, उसके बाद चौथा होता है कि जो इनके अंदर फल होते हैं, फल की गुणवत्ता में वृद्धि, यानी फल की गुणवत्ता में वृद्धि किसकी वजह से होगी, तो यह होगी इसी की वजह से, वाष्पोत्सर्जन क्रिया की वजह से। तो ये क्या हो गए, इनके महत्व हो गए, यानी कि वाष्पोत्सर्जन के फैक्टर देख लिए, उनके महत्व देख लिए, उनके अंदर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के स्टेप्स हम लोगों ने जान लिए। इस तरह से हमारा चैप्टर जो होता है खत्म होता है, और ये चैप्टर का आखिरी पॉइंट था। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।